हमारा लड़का वो बीमार है, ट्रीटमेंट के लिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। हम हमेशा उसको पास ही रखते थे, वो दवाई लेने गए ना, हमारे पास में ही खड़ा था वो। ये कल दोपहर की बात है? जी सर। उसको ढूंढ लीजिए सर, वो खुद मैनेज नहीं कर सकता। क्या हुआ उसे? वो माँ थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अकेले खुद कर भी नहीं सकता सर, उसको ढूंढना पड़ेगा सर, ढूंढ लीजिए। संजय नाम है? जी सर, संजय मूर्ति, 35 साल का है। क्या है भाई, कौन हो तुम? बोला था ना तेरे को कि आरटीआई के चक्कर में मत पड़, बहुत हीरो बनने का शौक है तेरे को। तुझे क्या लगा तू अपने इस आरटीआई से सबके कपड़े फाड़ देगा और हम भजन कीर्तन करेंगे, आरती उतारेंगे तेरी? देखो मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, और तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। चलो ऑटो, अब रास्ता छोड़ो। रास्ता तो हम छोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले तू ये दुनिया छोड़ेगा। ये रही आपकी चाय। अनिमा, प्रदीप का मर्डर हो गया। क्या? हेलो, क्यों बे दीपक उपाध्याय, खबर पड़ी क्या? नहीं, कौन कौन बात कर रहा है? उस प्रदीप की तरह तू भी पड़ाव चल रहा है, ये लास्ट वार्निंग है, ये जो तेरी आरटीआई गिरी है इसका दी एंड कर दे आज के आज। एर! हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखा मुझे, सामने आके बात कर। दीपक उपाध्याय, अगर मैंने चेहरा दिखा दिया तो तुम अपने बीवी बच्चों के चेहरे कभी नहीं देखोगे। सुन तो, हेलो हेलो दीपक, फिर से धमकी? कुछ नहीं दीपक, मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मम्मी पापा, आप लोग पुलिस के पास क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो बस ऐसी कुछ काम है। चलो तुम दोनों बस आ गई होगी ना, चलो। रुको रुको, मैं ड्रॉप करता हूँ गेट तक। क्यों पापा? अरे ऐसी बेटा, मतलब आप दोनों अकेले कैसे जाओगे? पर पापा, हम लोग तो रोज अकेले जाते हैं, अब ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जल्दी निकलो, नहीं तो बस मिस हो जाएगी। बाय मम्मी। बाय बाय पापा। बाय। दीपक, हमें इस कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्लीज पुलिस स्टेशन चलो। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। गरिमा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर हाँ, हमें रिस्क भी तो नहीं लेना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई, ये सच के सिपाहियों का वो रामबाण है जो भ्रष्टाचार का दहन कर सकता है। जाहिर है कई आरटीआई एक्टिविस्ट को रोजाना धमकियां मिलती हैं, जैसे कि दीपक उपाध्याय को मिली, पर दीपक के सर पर खतरे की तेज तलवार लटक रही थी, वो कई शक्तिशाली लोगों के रास्ते का कांटा बन चुका था। दीपक भी जान गया था कि फोन पर दी गई धमकी को हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। सर, जिन नंबर से यह धमकियां आ रही है मैं उन्हें पहचानता नहीं,
लेकिन जब भी मैं कॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ कोई उठाता ही नहीं। अब वो नंबर मुझे बताइए, हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे ढूंढने होंगे, एक अरसे से ये धमकियाँ आ रही है। ठीक है तो आप अपनी कॉल लिस्ट में से वो नंबर ढूंढ लीजिए, उसके बाद हम ट्रैकिंग पे लग जाएंगे। सर प्रदीप गर्ग का मर्डर कल हुआ है और आज हमें दोबारा ये धमकी आई। सर हमारी जान को खतरा है, हमारे दो बच्चे भी हैं और ये सब। आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो आपको इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। सर कुछ लोगों के करतूतों के खिलाफ मैंने RTI पिटीशन फाइल की है, इसलिए बड़ी तकलीफ हो रही है उन लोगों को। कौन लोग हैं मिस्टर उपाध्याय, नाम बताइए। एक तो काशिफ शेख है, कॉन्ट्रैक्टर है। धीरज सैनी काशिफ शेख का बिजनेस पार्टनर। और तीसरा पार्टनर है विक्रांत शर्मा। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूं। इन तीनों की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्कूल्स, रिहैबिलिटेशन क्वार्टर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सारी डील टेबल के नीचे से फाइनल होती है सर। ब्लैक मनी तो बोरियों में भर के आता था सर, मैंने RTI के जरिए इन तीनों के कई भांडे फोड़े। देखिए अगर आपकी वजह से इनका डायरेक्टली कोई नुकसान हो रहा होता तो ये लोग आपको ऐसे डायरेक्ट धमकी नहीं देते। हाँ जानता हूँ, किराए के लोगों से काम करवाएंगे अपन। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार ये किराए के टट्टू हाथ लग जाएं, असली गुनाहगार कौन है ये भी पता चल जाएगा। उसे मेरी फिक्र नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई आंच। सर क्या मेरी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है? आप अर्जी दे दीजिए, डायरेक्टरेट से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन मिलने तक? देखिए मैं तो कहूँगा बेहतर होगा कि आप अपना नंबर चेंज कर लीजिए। दीपक सब सही है ना? हाँ यार, झूठ मत बोल, तेरे चेहरे पे साफ लिखा है कि तू टेंशन में जी रहा। नहीं यार देख, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये रोज का ही है दोस्त, टेंशन जिंदगी का हिस्सा है, खुद जिंदगी नहीं। और तुम्हारी जिंदगी भी सही है दीपक, बस सोचने का नजरिया थोड़ा बदल दो। ख्याल रख। जीवन, समीर। हाँ मम्मा। चलो बेटा चलकर खाना खा लो, चलो उठो। पापा की तरफ खाएंगे, मैं अभी नहीं खाऊंगा। अरे हाँ, पापा के साथ बहुत सारी बातें भी करनी है, पापा को आने दो प्लीज। प्लीज वो खेल रहे अभी? नहीं तू रूम में खेल रहा। तो मैं खेल रहा तो हर बार तू नहीं खेलेगा। अरे पापा आ जाएगी ना। देख तू हर बार ऐसे करता है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पहले खाना खाओ, मैंने कहा ना पहले खाना खाओ। जीवन पहले खाना। हाय नंदिनी। हाय पापा। बेटा जल्दी आना, खाना साथ में खाते हैं। हाँ माँ। दीपक ये आपको क्या
ये सब क्या हुआ दीपक? दीपक साले, फेस टू फेस मिलना था ना तेरे को। कौन हो तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? अमर तुम्हारे बाप है हम। सर दीपक, तुम ये आरटीआई की तीली जलाकर आग से खेल रहे हो, और वो आग हम लोग ऐसा जला देंगे कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी पहचान नहीं पाएंगे। और फाइनल वार्निंग है ये, समझा? दीपक, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है गनीमा, लेकिन इतना भी नहीं कि इन बुजदिलों की धमकियों से डर के मैं पीछे हटूं। हाँ, लेकिन ना मैं पीछे हटूंगा ना झुकूंगा। जो करना है कर ले। वो बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय पापा। बाय बेटा। अरे रुको बच्चों, क्या हो तुम? युवत, समीर, संभाल के जाना बेटा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय। दीपक, दीपक आप जिस तरह से बच्चों से बाय कह रहे थे मुझे ठीक नहीं लगा। रात भर सोच रहा था मैं। जितना सोचता हूँ उतना यकीन होता है। डरना दरअसल हारना है। दीपक मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको और बच्चों को कुछ ना हो, बाकी कुछ नहीं। गरिमा, कुछ नहीं होगा। देखो पुलिस है हमारे साथ और ये बात उन्हें भी पता है। अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। बाय गरीब। बाय, संभाल कर जाइएगा। धमकियों के सिलसिले ने एक नया रुख ले लिया था उस दिन। जिस बात का डर था वो हकीकत बनने जा रही थी। खतरे की चिंगारी अब हमले की आग बन रही थी और इन आग की लपटों ने मौत का नृत्य शुरू कर दिया था। सर, कंट्रोल रूम से एक कॉल आया है। नानक रोड पर एक गाड़ी चल रही है। चलो। क्या हुआ मम्मी? पापा फोन नहीं उठा रहे? पापा ऑफिस में ही है क्या?
ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि वो ऑफिस से 8:30 बजे निकल गए। तो फिर मम्मा पापा कहाँ हैं? मम्मी मामा जी को फोन करो ना। हाँ गरिमा, पैनिक मत करो, बच्चों का ख्याल रखो। ऋषभ, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैं बस अभी निकल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बस तुरंत निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं पहुँचता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नवदेव सर, अंदर एक लाश पड़ी हुई है, पूरी तरह से जली हुई। किसकी है, कुछ पता चला? वो आइडेंटिटी वगैरह चेक कर रहे हैं सर। रमेश, मोहित, बॉडी बाहर निकालो। अंदर से मोबाइल मिला है, पूरी तरह जला हुआ है। इसका सिम कार्ड देखो और अंदर देखो और क्या। जी सर। सर बॉडी पे से एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, कोई रीमा उपाध्याय लगता है। कॉन्टैक्ट करो सर। कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं, अभी भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा है, लगता है उनका फोन होगा। मम्मी फोन, ये उनका नंबर तो नहीं। उठाओ तो सही, किसका है? हाँ। हेलो जी, मैं आर एन मार्ग पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, क्या मैं रीमा जी से बात कर रहा हूँ? जी मैं गरिमा उपाध्याय बोल रही हूँ। जी क्या ये गाड़ी नंबर XYP4H675 ये किसी आपके जान पहचान वाले की गाड़ी है? ये मेरा मतलब ये मेरे पति दीपक उपाध्याय की गाड़ी, सब ठीक तो है ना? कहाँ है वो? ये काम कीजिए, आप फौरन आर.एन. मार्ग पुलिस स्टेशन आ जाइए। पर हुआ क्या, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, बताइए ना। मैडम जरा जल्दी कीजिए, आप फौरन आर.एन. मार्ग पुलिस स्टेशन आ जाइए। आर.एन. मार्ग पुलिस स्टेशन बोला तुरंत, कुछ बोल नहीं रहे, क्या हुआ? कुछ तो बोला होगा। नहीं ऋषभ, कुछ नहीं बताया, मुझे लगता है जरूर कुछ बुरा हुआ। ऋषभ, ये हमारी कार है ना? सर ये हमारी गाड़ी है, मेरे हस्बैंड का है। जी आप अंदर जाए, आपको पता चल जाएगा। अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं। हाँ पर ये गाड़ी देख दो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है, कहाँ मेरे पति? आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप बोल के मेरे पे कब से आपसे पूछ रही हूँ। दीपक का आइए। लाश पूरी तरह जल चुकी है, शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। मुझे देखना, दिखाइए मुझे। नहीं ये दीपक नहीं हो सकते, दीपक नहीं हो सकते, ये दीपक नहीं हो सकते। क्या ये सारी चीजें आपके हस्बैंड की हैं? कार पूरी तरह से जल गई, गाड़ी के अंदर से हमें एक मोबाइल मिला है, वो भी पूरी तरह से जली हुई हालत में। पब्लिक के किसी आदमी ने कंट्रोल रूम को फोन किया था, आपके हस्बैंड के आइडेंटिटी कार्ड से हम आप तक पहुंच गए। हम आए थे आपके पास मदद मांगने के, कहा था मैंने आप लोगों से कि दीपक की जान खतरे में,
अगर आप चाहते तो रोक सकते थे इस मर्डर को, पर आपने नहीं रोका। गरिमा जी, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपने छोड़ दिया इंस्पेक्टर, छोड़ दिया आपने। जब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था तब तो आपने कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते तो इस मर्डर को रोक सकते थे, पर नहीं रोका आपने, नहीं रोका। उन लोगों ने मार डाला मेरे पति को, मार डाला उन लोगों ने। रख दो। हाँ हाँ पढ़ रहा हूं भाई, ये तो मतलब बवाल कर देगा। ये सब हुआ कैसे? कुछ पता नहीं हमें, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन मुझे मालूम है किसने किया। दीपक की इस आहुति को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम कल पुलिस स्टेशन चलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दीपक के कातिलों को सजा दिलवा के इस वक्त ये पता लगाना मुश्किल है कि पहले मार डाला गया है फिर लाश जलाई गई है, या फिर इसे जिंदा जलाया गया है। इन्हें धमकियां दी जा रही थी, इन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। इधर आग बाहर से लगाई गई है या अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अब आग लगाई गई है या लगी है ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ऑफिसर। बाहर से आग लगाना थोड़ा ऑब्वियस नहीं हो जाता? कातिल इतना डायरेक्ट अप्रोच करने की गलती करेगा? जिसने भी किया वो तो यही चाहेगा कि नहीं महज एक एक्सीडेंट ही लगे। इस वक्त ये बताना थोड़ा मुश्किल है ऑफिसर, मुझे पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके मैं किसी डिसीजन पर पहुंच पाऊंगा कि इधर ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर। सर वो सच में मुझे कुछ कह के नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। कश्यप का फोन भी स्विच ऑफ है। वो कभी मुझे कुछ कहते नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे, क्यों जा रहे हैं। आपके सारे रिश्तेदारों के फोन नंबर और एड्रेसेस चाहिए मुझे अभी। सर मैं आपको कब से बोल रही हूँ, सर वो सुबह सुबह ही निकल गए। ये तो आप पहले भी कई बार कह चुकी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो गए कहाँ हैं। सर मुझे बताकर नहीं गए, मैं खुद उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम यहीं रुको, जो कोई भी आ जाए उसके ऊपर निगाह रखना। चलो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ सर, मुझे नहीं मालूम विक्रांत कहाँ है। मैडम अगर अगले 6 घंटे तक विक्रांत नहीं मिला तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेंगे। इतना समझ लीजिए कोई रोज होने वाला चेक बाउंसिंग का केस नहीं है, मर्डर केस है, फर्स्ट डिग्री मर्डर। काशिफ शेख, धीरज सैनी और विक्रांत शर्मा, ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनके खिलाफ मेरे पति दीपक उपाध्याय ने RTI दर्ज की थी और इन तीनों की तरफ से उन्हें बार बार धमकियां आ रही थी। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? बिल्कुल की थी, हमने उन्हें बताया था कि हमें लगातार धमकी आ रही, हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी भी दी थी जो हमें नहीं मिली। मेरे पति दीपक उपाध्याय कोई पावरफुल इंसान नहीं थे, वो एक सर्वसाधारण नागरिक थे जो RTI के औजार के जरिए इस देश का भला करना चाहते थे। दीपक उपाध्याय को न्याय दिला कर रहेंगे, दिला कर रहेंगे, दिला कर रहेंगे। दीपक उपाध्याय के कातिलों का पक्ष नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी लेकिन वो तीनों कॉन्ट्रैक्टर धीरज, काशिफ और विक्रांत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो इस वक्त फरार हैं लेकिन हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। और वो मिलेंगे नहीं क्योंकि उन्हें जानबूझकर फरार होने का मौका दिया गया। ऐसी बात नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। हम सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार सबूत हमारे हाथ में आ गए तो उनसे सवाल किए जाएंगे। फरार है तो सवाल कैसे करेंगे आप? पहले पकड़ेंगे फिर सवाल करेंगे। और फिर वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे और आप उन्हें बड़ी आसानी से और मासूमों को मारने के लिए छोड़ देंगे जैसा कि दीपक के साथ हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दीपक उपाध्याय के कातिलों को पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा। हत्यारे तो किराए के किलर्स होंगे, असली हत्यारों तक कभी आप पहुँच भी पाएंगे? बड़ी मछलियाँ कभी छोटे छोटे जालों में फंसी हैं इंस्पेक्टर। दीपक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीपक उपाध्याय।
प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और आंदोलन आग की तरह फैल गए। दीपक की पत्नी गरिमा ने भी पुलिस पर बराबर प्रेशर बनाए रखा, पर इस सब के बावजूद वो तीन एक्यूज्ड न पुलिस के हाथ लग रहे थे न मीडिया के। और फिर अचानक वो तीनों पुलिस स्टेशन में आ धमके। ये है मेरे क्लाइंट्स के एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर। हमने आपके क्लाइंट से अभी एक सवाल भी नहीं किया और आप इतनी सारी चालें चल गए। क्यों नहीं चलता? उस दीपक उपाध्याय की पत्नी गरिमा ने मेरे क्लाइंट्स पर मर्डर का झूठा इल्जाम ठोका। मेरे क्लाइंट्स का दूर दूर तक इस कांड से कोई वास्ता नहीं। सच में नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। हाँ, उस दीपक ने आरटीआई से हम लोगों की नाक में दम तो कर रखा था। और हाँ, ये आरटीआई वाली बात सब लोग जानते थे। सब लोग ये भी जानते थे कि वो हमारे खिलाफ थे। सर, सरकार का हर डिपार्टमेंट जानता है कि दीपक बेवजह हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ था। अब सर, ऐसे में हम लोग पागल हैं जो उसे मारने का प्लान बनाएंगे? तो फिर आप तीनों से कैसे रोकते? दीपक उपाध्याय ने आरटीआई की जो तलवार आप तीनों के सिर पर लटका रखी थी, उस तलवार को हटाने के लिए आप तीनों कौन सा पैंतरा अपनाते? सर, हम उसे समझाते, उससे बात करते आराम से। और अगर वो नहीं मानता तो हम उसे दोबारा से समझाते। अब फिर भी नहीं समझता तो उसे धमकाते, और फिर भी नहीं समझता तो उसे रास्ते से हटा देते। सर, ये धमकाने वाली बात महज एक वहम है दीपक की बीवी का। इंस्पेक्टर, 3 रात पहले दीपक को रास्ते में रोककर धमकी दी गई थी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा, उसकी लाश भी पहचान में नहीं आएगी। और ठीक वैसा ही हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने एक एनसी रजिस्टर की थी जिसमें हम तीनों के नाम थे। सर, और इतना सब होने के बाद भी हम उसे कैसे छूते? सारा इल्जाम तो हम तीनों पर आता। हम खुद की खबर क्यों खुदवाएंगे सर? सर, हम अपनी चिता में आग क्यों लगाएंगे? ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं सर। काशिफ शेख, धीरज सैनी और विक्रांत शर्मा, यही तीनों है मेरे पति के मर्डर के पीछे। गरिमा जी, हमने इन तीनों की अच्छी तरह से पूछताछ की, इनके फोन कॉल्स, इनकी हर डिटेल को चेक किया। अभी तक हमें एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो इन तीनों को आपके पति दीपक उपाध्याय की मौत से जोड़ता। सर, ये आपके लिए कोई पहली बार तो नहीं होगा ना, जहाँ किसी खूनी ने बहुत ही बारीकी से अपने सारे के सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन आप आरटीआई उठा कर देख लीजिए सर, मेरे पति के पास इनके खिलाफ सबूत ही सबूत थे। हमने वो सबूत भी चेक किए, बल्कि इन तीनों ने खुद माना है कि इनको दीपक उपाध्याय से परेशानी थी। वो नाराज थे दीपक उपाध्याय से, लेकिन उनका कहना है फिर भी उन्होंने दीपक उपाध्याय का कत्ल नहीं किया। वो झूठ बोल रहे हैं, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो फिर कौन और क्यों करेगा सर? कोई सरफिरा आकर तो करेगा नहीं ना? सर, इन तीनों ने ही मारा है मेरे पति को, क्योंकि दीपक उनका भांडा फोड़ने वाले थे। आप एक बार दोबारा से जोर देकर सोचिए इस बात पर। ऑफिसर, हमने एक एक पुर्जा चेक किया, एक एक वायर चेक किया, बट नो, ये शॉर्ट सर्किट का केस नहीं, आग बाहर से लगाई गई है। आग लग गई है? लगाई गई है? लगाई गई है। देखो, पूरी कार की बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया, गाड़ी के चारों तरफ और जमीन पर हमें पेट्रोल के ट्रेसेस। दीपक उपाध्याय कार के अंदर था, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पहले दीपक उपाध्याय को मार दिया गया हो, फिर उसकी लाश और कार दोनों को जला दिया गया? ऑफिसर, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया, विक्टिम कार के अंदर था और खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अगर ऐसा था तो दीपक गाड़ी में आग लगने से पहले या तो मर चुका था या फिर वो बेहोश था। कैसे कह सकते? सर, उसका मोबाइल पूरी तरह से जल चुका था। अब अगर वो जिंदा होता या होश में होता तो किसी को फ़ोन करने की कोशिश करता कि गाड़ी में आग लग गई है, मैं फंस गया हूँ, मुझे आके बाहर निकालो, या खुद कुछ करके बाहर निकलने की कोशिश करता। क्या इस केस का कोई दूसरा या तीसरा एंगल हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं इन तीन कॉन्ट्रैक्टर्स को सामने लाकर असलियत को दबाया जा रहा हो? सर, कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है। क्या कह रहे थे? ये नंदिनी है, हमारी बेटी नंदिनी। क्या हुआ इन्हें? ये मिसिंग है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर अश्विनी, धर्मेश ठाकुर बोल रहा हूँ।
हाँ इंस्पेक्टर ठाकुर। ये पेपर में एक न्यूज पढ़ रहा था, कार में जलकर कोई सुसाइड का केस। परसों रात का केस है। ये माजरा क्या है यार? हमें पहले लगा मर्डर है, जली हुई कार, बुरी तरह से जली हुई लाश, तो हमने उसका एड्रेस निकाला। उसके फोन से उसके भाई का नंबर भी मिला। उसके घर पहुंचे तो देखा उसकी बीवी बच्चे भी मरे हुए। उसी ने उन्हें पहले मार डाला था और नोट भी लिख गया था। ओ। वैसे इस केस में इंटरेस्ट कैसे? तुम्हारे किसी केस से कोई ताल्लुक? आपके इस केस से एक बात चमकी मेरे दिमाग में, शायद इससे मेरे केस में कुछ मदद हो। थैंक यू इंस्पेक्टर अश्विन, थैंक यू वेरी मच। सुसाइड? आप कह क्या रहे हैं? हम हर पॉसिबिलिटी को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दीपक को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, किसी तरह का कोई डिप्रेशन? मेंटल प्रॉब्लम मेरे पति दीपक को नहीं, पर आपको जरूर है। मैं वहां आपके पुलिस स्टेशन जाती हूँ, आपका एक आदमी कहता है कि शायद एक्सीडेंट का केस, और अब आप एक नया तमाशा शुरू करें सुसाइड का। होने को कुछ भी हो सकता है मैडम। क्या दीपक किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थे? हाँ डिस्टर्ब तो थे, पर उन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी जा रही धमकियों की वजह से। आप ही बताइए इंस्पेक्टर, कोई भी आदमी चैन से कैसे रह सकता है, खासकर जब उसके बीवी बच्चों को मार दी जाने की बात की जा रही। गरिमा जी कुछ भी साबित नहीं हो पा रहा, क्योंकि लाश पूरी तरह से जल गई थी। पर आप मुझे जरूर कुछ साबित करना चाहते, बस बात को गोल गोल घुमा रहे। देखिए ऐसा लग रहा है कि जब गाड़ी में आग लगी तो दीपक ने गाड़ी से भागने की कोशिश नहीं की, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी को फोन नहीं किया, जबकि उनके पास मोबाइल फोन था। आप पूरी तरह से तैयारी करके आए मिस्टर ठाकुर इस केस को क्लोज करने के। सीधे सीधे दिख रहा है कि आप बिके हुए उन तीन कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ। आप पब्लिक या सरकार के लिए काम नहीं कर, न्याय और सच्चाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर। आप इस वक्त गुस्से में जज्बाती हो रही हैं, पर कानून जज्बाती होकर काम नहीं करता। हम अपना काम करते रहेंगे और सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे। सच्चाई आपके सामने इंस्पेक्टर ठाकुर, मेरे पति दीपक उपाध्याय का खून हुआ है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने मारा है उसे। आप लोग बस कभी एक्सीडेंट कभी सुसाइड। ये कोई पर्सनल मामला हो सकता है, बस लग रहा है कि ये कोई पर्सनल मामला है। इस दीपक उपाध्याय के ऑफिस में खबरी एक्टिवेट करो, बल्कि ऑफिस में नहीं इसके मोहल्ले में जहां कहीं भी ये आता जाता है सब जगह। शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं और वो हमें चीख चीख के पुकार रहे हैं। सर, आरटीआई एक्टिविटीज को लेकर दीपक को मिली धमकियों और अटैक वाला एंगल पुलिस को इस केस में आगे नहीं ले जा रहा था। अब उन्होंने सभी व्यक्तिगत मामलों को टटोलना शुरू किया, फिर एक दूसरे केस ने दीपक उपाध्याय केस पर एक अलग किस्म की रोशनी डाली, और इस रोशनी में एक दरवाजा खुला, और इस दरवाजे के साथ एक बहुत ही अजीब पिटारा खुला जिसने इस केस को सर के बल उलट दिया। नमस्कार सर। कुछ मिला? सर दीपक उपाध्याय का ऑफिस में काम करने वालों का सभी का बीमा निकलवाया गया था ऑफिस की तरफ से। कितने का? 45 लाख रुपए का बीमा था दीपक का, जिस पर अब उसकी वाइफ और उसका साला दोनों क्लेम करने पर तुले हुए हैं। कुछ झोल लग रहा है क्या? नहीं झोल का तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसका ऑफिस में एक बहुत ही खास दोस्त है अरुण यादव। कुछ बोला वो? मुझसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आप पूछेंगे तो शायद आपको कुछ बोल दे। हेलो अरुण यादव जी, बोल रहा हूँ, आप कौन? PSI नवदीप डागर बोल रहा हूँ, आरंगमार पुलिस थाने से। दीपक उपाध्याय के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? वही जो हम नहीं जानते और शायद तुम जानते हो। थाने आ जाओ। जी हाँ, दीपक की वाइफ गरिमा और उसके भाई ऋषभ ने इंश्योरेंस क्लेम किया है। दरअसल पहला चेक भी मिल चुका है उन्हें। हमने सुना बड़े करीब थे तुम और दीपक। जी सही सुना है आप। अरुण, हमें लगता है कि दीपक की मौत आरटीआई एक्टिविटीज की वजह से नहीं हुई, शायद कोई पर्सनल वजह रही है। हो सकता है उसने सुसाइड किया, आपको क्या लगता है? आपकी जुबान खामोश है लेकिन चेहरा बहुत कुछ बोल रहा है। दीपक किस बात को लेकर डिस्टर्ब था? दीपक था तो काफी डिस्टर्ब। किस बात को लेकर? एक औरत को लेकर। कौन सी औरत? एक औरत को लेकर। कौन सी औरत यार? अरुण
सच्चाई ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और सच्चाई ये भी है कि तुम शादीशुदा हो, दो बच्चे हैं दीपक। क्या गरिमा इस बारे में जानती? नहीं जानती, पर शायद जान जाएगी। क्योंकि क्योंकि गरिमा को दीपक के अफेयर के बारे में कैसे पता चलता? क्योंकि वो औरत दीपक की पड़ोसी है, नंदिनी। मैं नंदिनी को ऑफिस ड्रॉप करता था कभी कभी, फिर ये कभी कभी रोज रोज का हो गया। फिर ड्रॉप करते करते, पिकअप करते करते कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। प्यार, लव, बड़ा भारी शब्द है भाई। जानता हूं, लेकिन उससे भी भारी शब्द है शादी। अनु गरिमा के साथ मेरी शादी बहुत बड़ी भूल थी। क्या गरिमा दीपक के इस अफेयर के बारे में जानती है? जी हाँ, इस बात को लेकर दोनों में हमेशा बहुत झगड़े होते थे, इसीलिए दीपक का दिमाग हमेशा टेंस रहता था। मैंने उसे कई बार नसीहत दी कि भूल जा नंदिनी। टेंशन जिंदगी का हिस्सा है, खुद जिंदगी नहीं, बस सोचने का नजरिया थोड़ा बदल दो। क्या ये हो सकता है इन सब झगड़ों से परेशान होकर दीपक ने सुसाइड किया? सर मैं श्योरली तो नहीं बोल सकता, पर दीपक था काफी डिस्टर्ब्ड। वो लोग इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, कहते हैं सुसाइड केस था, बस उन्हें केस को जैसे तैसे क्लोज करना। जी नंदिनी मिसिंग है क्या? एक हफ्ता पहले वो घर से गई थी, तब से हमें उसकी कोई खबर नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, हमने पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन ऐसे अचानक कहाँ चली गई? हमारे पड़ोसी दीपक उपाध्याय की मौत के बाद वो बहुत मायूस हो गई थी। उसने नौकरी से रिजाइन भी कर दिया था, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, पूरा दिन बैठी रहती थी चुपचाप। क्या आपको पता था कि नंदिनी और दीपक का अफेयर चल रहा था? जी पता था। आपको क्या लगता है दीपक उपाध्याय ने सुसाइड किया होगा? ये हम कैसे कह सकते हैं, उसकी मौत की खबर सुनने के बाद तो हम सुन्न हो गए थे। हमें नंदिनी की बहुत चिंता सताने लगी थी। नंदिनी दीपक से बेहद प्यार करती थी और उसकी मौत के बाद वो टूट सी गई। इंस्पेक्टर जैसे भी आप उसे ढूंढ निकाली। हम समझ सकते हैं कि दीपक की मौत के बाद उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया था, पर अब तो कई दिन हो गए हैं, जिंदगी ऐसे तो नहीं जी जा सकती। लेकिन नंदिनी गई कहाँ होगी? पता नहीं इंस्पेक्टर, पर कई अखबारों में हमने इश्तिहार दिए, उसकी फोटोग्राफ छपवाई, पर कोई रिस्पांस नहीं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंतजार का दुख हमें क्यों दे रही है वो। सर इस गरिमा से भी पूछताछ बनती है, शायद ये कुछ छुपा रही है। नो, आई डोंट थिंक सो। पहले हमें इस केस की गहराई तक पहुंचना होगा। सबसे पहले हमें इस नंदिनी राजपूत को ढूंढना होगा। एक बार ये नंदिनी राजपूत हमारे हाथ लग गई तो सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। नंदिनी राजपूत हमें क्लियर करेगी कि दीपक उपाध्याय का मर्डर हुआ या उसने सुसाइड किया। ये केस एक तीर से दो निशाने वाला लगता है, जिसने दिल तोड़ा उसकी जान ले लो और उसकी मौत की कीमत भी खुद ही वसूल करो। आत्महत्या या हत्या, इस केस की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये एक और आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर है जिसकी सुपारी कुछ करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ने दी होगी, लेकिन लव अफेयर का मामला सामने आने से इस केस का पूरा रंग ही बदल गया।
इस लव एंगल ने इस केस को इस तरह से उलझा दिया जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। नंदिनी मिसिंग थी और एक मानसिक रूप से दुर्बल आदमी संजय मूर्ति भी लापता था। क्या इन दो मिसिंग केसेस का दीपक उपाध्याय के केस से कोई डायरेक्ट ताल्लुक था? आखिरकार पुलिस नंदिनी तक कैसे पहुंची? दीपक की मौत का राज कैसे खुला? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे परसों यानी रविवार 2 नवंबर को इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। याद रखें, कल यानी शनिवार 1 नवंबर को क्राइम पेट्रोल का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी रविवार 2 नवंबर को। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।